दोस्तों पिछले लेक्चर में जब मैंने 13 से 14 मिनट का एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने बेसिक ऑफ द डिजीज की बात की थी, अभी मैं जो अगला सेक्शन है कि किस प्रकार दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक है कि दूषित जल और दूषित भोजन से, तो इनमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो पोलियो है। और पोलियो के बारे में आपको पता है कि पोलियो की वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया भारत के अंदर, लंबे समय तक पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ने इसमें बहुत अहम रोल निभाया, WHO ने भी भारत के बारे में इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरक शब्द कहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत शक्ति है जो किसी भी प्रकार के रोग को लड़ने की क्षमता रखता है। तो देखिए पोलियो जो रोग है ये दूषित जल और दूषित भोजन से होता है, और इसमें हमारे जो हमारा जो कंट्रोल है नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम का ब्रेक होता है, और वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के कारण ही क्या होता है पोलियो रोग में हमें विकलांगता, पैर और हाथ में टेढ़ापन आ जाना, ये पोलियो के रोगों के कुछ सिम्टम्स हैं। तो बचपन से ही हमको पोलियो की दवा दी जाती है और साबिन और साल्क ने इस पोलियो की दवा को बनाया था। लेकिन पोलियो के बारे में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि दूषित जल और दूषित भोजन से क्या हो सकता है, पोलियो हो सकता है। हमें टाइफाइड के बारे में भी ये पता होगा, टाइफाइड एक बहुत ही खतरनाक रोग है, सल्मोनेला टाइफी से होता है, और टाइफाइड रोग जो है ये आत्रीय ज्वर का मतलब हो गया इंस्टेंटाइनल फीवर, मतलब ये हुआ कि जो हम जब भी हम लोग पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत है वो एक क्रमंकुचन का मतलब होता है पेरिस्टाल्टिक मोशन, इस तरह से खाने को आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन टाइफाइड में क्या होता है, ये जो लगातार खाने को आगे बढ़ाने वाली आते हैं सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और इसी के कारण क्या होता है हमको इनडाइजेशन की शिकार होता है। फाइनली क्या होता है हमें इतनी कमजोरी आ जाती है कि टाइफाइड रोग में हमको तमाम प्रकार के जो है कमजोरी, हमारा डिहाइड्रेशन, इस प्रकार के डिजीज का हमको सामना करना पड़ता है। तो टाइफाइड रोग में टाइफाइड ए, टाइफाइड बी, टाइफाइड के बारे में हम लोग बहुत एक्सटेंडेड बात करने वाले आगे, पेचिस रोग जिसे डिसेंट्री बोलते हैं ये अगेन दस्त से रिलेटेड हो गया, हेपेटाइटिस ए और टी, आपको पता होगा हेपेटाइटिस जो है पांच प्रकार के हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई, तो इनमें से ए और ई ये आपको याद रखना है, दीज आर बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर एंड वी आर टेकिंग द फूड विच आर नॉट इस तरह के भोजन जो कि दूषित है, जो कि कंटामिनेटेड है, तो कंटामिनेटेड भोजन के कारण हमें क्या होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होने की संभावना होती है। आपको हेपेटाइटिस के बारे में भी यदि गहराई में जाएगा है तो हेपेटाइटिस ई एक विशेष प्रकार का हेपेटाइटिस है जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हेपेटाइटिस ई लोगों को होता है, और इसका जो तोड़ है, इसका जो निदान है वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हेपेटाइटिस ए और नॉर्मली जो सबसे टफ खतरनाक जो हेपेटाइटिस माना जाता है वो हेपेटाइटिस बी है। जहां भी हेपेटा शब्द आ जाए एक बात हमेशा याद रखेंगे, हेपेटा का मतलब यकृत है, तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित रोग है, हेपेटाइटिस हमारे यकृत से संबंधित रोग है, और इसीलिए यकृत के अध्ययन को भी क्या बोल रहे हैं हिपैटोलॉजी। तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित हो गया, दूषित जल और भोजन से, पोलियो, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस और हैजा जो कि कॉलेरा है, जो विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से होता है। तो आपको दूषित जल और दूषित भोजन इससे होने वाले जितने भी रोग हैं वो आपको पता चल गए। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो छूने से फैलते हैं, टच करने से फैलते हैं। आप देखिए आप कोरोना के केस में भी क्या है, टच वाला केस भी है, कोरोना में स्नीज वाला केस भी है कि छींकने से भी हो सकता है, तो ये दोनों ही प्रभाव उसमें है, और एक लिमिट तक वायु में हो सकते हैं लेकिन ये एक एयर से एयर ट्रांसमिशन नहीं होता कोरोना वायरस में। तो जो चिकन पॉक्स है छोटी माता, आपको पता है, देखिए एक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, छोटी माता में एक बार क्या हुआ कि मैं एक अपने साथी को डॉक्टर के पास लेके गया, उसको छोटी माता थी,
आई वॉज ऑल्सो ऑब्लिवियस, मैं भी अभिज्ञ था कि उसको छुट्टी मारता है। डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने तुरंत हाथ झटक दिया, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने देखा इसको छोटी मारता है, उसको भी तुरंत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत क्या करा, अपने पहले हाथ धोए और दूर से उसको क्या है, सारे के सारे उसके जो भी इलाज होते हैं वो छोटी मारता के इलाज को उन्होंने अपना जो है सोल्यूशन दिया। तो वेरिसेला नाम का जो जीवाणु है वो जीवन में एक बार जरूर होता है, एक बात याद रखना। नो डाउट कि मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे आज तक जो है छोटी मात्रा में हुई, लेकिन सामान्यतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे एक ना एक बार नहीं हुआ, हो सकता है भविष्य में हो जाए। मुझे एक बार कोई भी रोग हो जाता है तो कई बार हमारे शरीर में मौजूद जो एंटीबॉडीज है वो उसके प्रति क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज उसके खिलाफ प्रतिरोध जनरेट कर लेते हैं, और उस प्रतिरोध से क्या हो जाता है, वो रोग हमको भविष्य में कभी नहीं होता। और इसीलिए आप जब 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक जगह एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे उनके पास किसी प्रकार की कोई टैबलेट्स नहीं हुआ करती थी, तो वो पहले ना कि एंटीबायोटिक्स, आपको पता है एंटीबायोटिक्स तो बहुत बाद में 1927 में पहली बार एंटीबायोटिक विश्व में आया, एंटीबायोटिक नहीं होते थे तो वो कैसे सॉल्यूशन करते थे, वो समय समय पर कुछ कुछ मात्रा में जीवाणु का अपने शरीर में प्रवेश करवाते रहते थे, जिससे क्या हो जाए उनके शरीर में उनके प्रति इम्यूनिटी जनरेट हो जाए। तो चिकन पॉक्स आपको याद रखना छूने से फैलता है, स्मॉल पॉक्स ये हम लोग पूरी तरह से उन्मूलित कर चुके 1980 में। ये जो चिकन पॉक्स का जो एग्जाम्पल है आपको यदि किसी के फेस पे देखना है तो आप हमेशा याद रखना जो ओमपुरी का जो फेस था, ओमपुरी जो हमारे महान एक्ट्रेस में से एक है, उनके चेहरे पर जो है वो चिकन पॉक्स है, और वो चिकन पॉक्स जो है 1980 में ये पूरी तरह से हमारे है ना पूरी तरह से विश्व से ही रिमूव कर दिया गया। तो एक बात ये याद रखनी है आपको, ये वेरिसेला से होता है, चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला से, जबकि ये वेरिओला नाम के जीवाणु से होता है। नेक्स्ट स्लाइड के लिए देखिए, नेक्स्ट जो स्लाइड है देखो, ये यहां पर आपको ये क्लियर एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि वेरिओला जो है वेरिओला चेचक, और इसका जो टीका है पहली बार चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था, और इसीलिए टीकाकरण की खोज इन्होंने सबसे पहली बार बनाई थी। That means he is known as the father of vaccination program. तो वैक्सीनेशन जो है इन्होंने पहली बार लाया। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम, आपको पता है जब भी हमारे शरीर में बचपन में किसी प्रकार का टीका लगा दिया जाएगा तो भविष्य में हमें उससे संबंधित किसी प्रकार की डिजीज नहीं हो सकती है जिससे संबंधित वो टीका है। जैसे कि बचपन में हमको जो है MMR है ना, मम्स मिजल्स एंड रूबेला का टीका लगाया जाता है, वैसे ही DPT का भी टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटेनस इनके हमको टीके लगाए जाते हैं। तो चेचक जो है वो वेरिओला नाम के जीवाणु से होता है, और एक बात याद रखना एंटीबायोटिक्स भी केवल जीवाणुओं के लिए बनती है, विषाणुओं के लिए कभी भी एंटीबायोटिक्स डोज काम नहीं करती है। तो देखिए इसके बाद में एक और रोग की बात करें, छूने से बहुत ही खतरनाक रोग जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, कुष्ठ का मतलब होता है लेप्रोसी, एग्जाम में कई बार इसका दूसरा नाम भी पूछा गया, इसे क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। तो हैंसन डिजीज के नाम से किसको जाना जाता है, कुष्ठ रोग को जाना जाता है। और देखिए त्वचा और हमारी तंत्रिकाएं नर्वस सिस्टम है ना, आपको पोलियो में भी बताया था कि नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो डिजीज अपना रूप धारण कर देगी। वैसे त्वचा और तंत्रिकाओं को कुष्ठ रोग जो है ये प्रॉब्लम को जनरेट कर देता है। तो देखिए इसमें जो इलाज है वो एक आपको ये नाम दिया हुआ है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी मतलब अलग अलग प्रकार के ड्रग के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जीवाणु का नाम भी बहुत सिंपल है, लेप्रोसिस का नाम है, जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा, जीवाणु सीधी बात रहेगी, जीवाणु का नाम क्या हो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो ये जीवाणु का नाम है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको क्या पता होना चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD है ना, इनको लिंग संसर्ग रोग भी कहते हैं, है ना, इनको लिंग संसर्ग रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोगों के नाम भी बताए हुए हैं कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ड्रग से भी होता है, अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा ये केस आया था भारतवर्ष में कि एक व्यक्ति को एड्स था, उसने अपना रक्त डोनेट किया, किसी और व्यक्ति को वो रक्त मिला और वो रक्त के कारण वो व्यक्ति संक्रमित हो गया एड्स रोग से। बताओ इतना कॉम्प्लेक्सिटी, तो
हमारे जो कई बार क्या होता है हमारे स्वास्थ्य जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य जितने भी हेल्थ केयर मेडिकेयर जितने भी संस्थान है इंस्टीट्यूशन है उनके प्रति कई बार ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार के अपने कंट्रोल एंड मेजर्स करते हैं। तो देखिए अगला जो पॉइंट है हेपेटाइटिस, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था हेपेटाइटिस ए और ई ये जो है वो किससे होता है, हेपेटाइटिस ए और ई होता है दूषित भोजन या दूषित जल के कारण। लेकिन हेपेटाइटिस बी सी ई ये या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर ये रक्त जो सुई है सुई के माध्यम से। दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जो ड्रग्स लिए जाते हैं वो भी क्या है सुई का आदान प्रदान आस पास बैठे हुए कई केसेस इस तरह के पंजाब में मिलते हैं। तो देखिए अगला जो है सिफिलिस रोग, ये जननांग से संबंधित रोग है और सिफिलिस रोग रोग में का जो नाम है सिफिलिस में ट्रिपनोमा पैलिडम, इसका नाम क्या है सिफिलिस के जीवाणु का नाम ट्रिपनोमा पैलिडम है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए मलेरिया रक्त के प्रवाह से भी हो सकता है दूषित रक्त, जिस प्रकार से एक मच्छर मादा एनोफिलिस दूसरे शरीर में काटेगा बाइट करेगा तो मलेरिया हो सकता है। देखिए गोनोरिया जो है ये भी सेक्सुअली एक लिंग से है ना जननांगों से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित एक रोग है और गोनोरिया का नीसेरिया गोनोरिया नाम के जीवाणु से होता है। ठीक है तो उसी तरह से ल्यूकेरिया रोग जिसे श्वेत प्रदर रोग भी कहते हैं ये सभी रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये सभी रक्त से ट्रांसमिटेड है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई आपको एकदम क्लियर हो गया और हेपेटाइटिस जब शब्द आए तो हेपेटा को याद रखेंगे और हेपेटा का मतलब यकृत होता है और मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग भी यकृत है। तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है मच्छरों से जो फैलते हैं वो मच्छरों से देखो तीन मच्छरों का नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहला जो मच्छर है वो है क्यूलेक्स मच्छर, दूसरे जो मच्छर का नाम है वो है एडीज इजिप्टी मच्छर जो कि बहुत बड़ा मच्छर होता है और तीसरा एक मच्छर जो है वो है मादा एनोफिलिस मच्छर। ये तीन मच्छरों के नाम आपको पता है तो मच्छर से संबंधित सारे रोग अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से खत्म कर लिए। तो सबसे पहली बात आ रही है मच्छरों से फैलने वाले रोग रोग कौन कौन से है, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति आकर्षण होता है मच्छरों का, उसके अलावा नर जो है जो मेल मच्छर है वो तो केवल पादपों के अंदर जो फूलों का रस पोषण वहां से पोषण लेता है जबकि मादा जो है मादा का पोषण हमको कहां से मिलता है, मादा जो है वो अपने अंडों को देने के लिए लावा जन्म करने के लिए वो क्या करती है मानव के रक्त का प्रयोग करती है। तो पादपों में जो पोषण है वो पादपों से पोषण भी लेती है लेकिन जब प्रजनन करने का उनका टाइम आता है तो वो मानव के शरीर का रक्त चूसती है और इसीलिए हम लोग मादा एनोफिलिस बोलते हैं जो कि मलेरिया का कारण। तो सबसे पहली जो बात आ रही है देखिए सबसे पहली जो बात आ रही है जो मैंने बोला आपको कि सबसे पहला मच्छर कौन सा है क्यूलेक्स मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर से होने वाले दो रोग जैपनीज मस्तिष्क शोथ, ये शोथ है जैपनीज मस्तिष्क शोथ का मतलब है जैपनीज मस्तिष्क शोथ का मतलब है जैपनीज एनसीफेलाइटिस और हाथी पांव रोग को हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं। आपको ये दोनों रोग पर्टिकुलर रीजन क्षेत्र से भी लिंक्ड है, जब जैपनीज मस्तिष्क शोथ या जैपनीज एनसीफेलाइटिस की बात करते हैं तो आपको एक नाम याद आता है गोरखपुर, जबकि हाथी पांव फाइलेरिया रोग की बात करते हैं तो तमिलनाडु में हाथी पांव रोग बहुत ज्यादा है फाइलेरिया, और क्यूलेक्स मच्छर जैपनीज एनसीफेलाइटिस के लिए और हाथी पांव ये क्यूलेक्स मच्छर में पाया जाने वाला वुचेरियाई ब्रेंकोफटाई नाम का जो कृमि है वो ये मच्छर लेके कैरी करता है। तो ये दोनों केस आपको याद रखें कि हाल ही में आपने देखा होगा गोरखपुर के अंदर हमेशा जब भी बरसात का टाइम आता है आपको कई सारे बच्चे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है हॉस्पिटल्स में, अभी लास्ट ईयर के केस भी थे। तो ये जैपनीज एनसीफेलाइटिस है। तो देखिए ये दो रोग आपको याद रखने क्यूलेक्स मच्छर से जैपनीज एनसीफेलाइटिस एंड हाथी पांव। नेक्स्ट जो है उसमें आ रहा है मादा एनोफिलिस, तो मादा एनोफिलिस में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि मादा एनोफिलिस जो है वो मलेरिया का कारण बनती है ना, मलेरिया का कारण कौन बनती है मादा एनोफिलिस। और एक छोटी सी बात याद रखना कि जो दो मच्छर है कौन से मादा एनोफिलिस और एडीज इजिप्टी, तो मादा एनोफिलिस हमेशा गंदे पानी में अंडे देती है, ये हमेशा रात में काटती है और हमेशा एक बात याद रखना 45 डिग्री के एंगल पे अपना डंक लगाती है, जबकि
जो एडीज इजिप्ट मच्छर है हमेशा साफ पानी में अंडे देता है, दिन में काटता है और ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। एडीज इजिप्टी यहां पर लिखा नहीं है, आप याद रखेंगे एडीज इजिप्टी मच्छर। और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, येलो फीवर, एक और रोग है चिकनगुनिया, आपने बहुत नाम सुना होगा। चिकनगुनिया का मतलब ये होता है कि हाथ पांव में जोड़ों में दर्द, और इसमें पाया जाने वाला जो वायरस है उसका नाम है अल्फा वायरस। तो एडीज इजिप्टी मच्छर अल्फा वायरस को हमारे शरीर में डाल देता है और उसके बाद में हमारे जोड़ों में हमारे चेहरे में सूजन आ जाती है, तो ये चिकनगुनिया रोग है। डेंगू रोग जो है डेंगी, एक्चुअल में द प्रोनंसिएशन इज डेंगी, वो डेंगू हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। तो डेंगू जो रोग है ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू रोग में आपको पता है इसको इसको जो है इसको बहुत ही खतरनाक मौत भी होती है इसमें, क्योंकि इसमें प्लेटलेट बिल्कुल डाउन होती चली जाती है। तो यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि इट इज ऑल्सो इस रोग को एक हमेशा क्वेश्चन याद रखेंगे, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। इसके अतिरिक्त और भी जो रोग है वो क्या है, वेस्ट नाइल फीवर, ये विशेष पर्टिकुलर रीजन का है। जैसे अभी हंता वायरस की बात करी थी हमने, हंता वायरस जो पर्टिकुलर हंताना नाम की जो जो रिवर है साउथ कोरिया में, तो वहां से नाम आया, उसी वेस्ट नाइल फीवर भी आपको याद रखना है। तो आपको क्या पता चल गया, मच्छर तीन प्रकार के, क्यूलेक्स मच्छर, जैपनीज एंसेफेलाइटिस एंड फाइलेरिया, बुचेरिया ब्रैंकोफटाइस उसका क्रमी। सेकेंड पॉइंट आया मलेरिया, मलेरिया किससे, एनाफिलीज से। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट है एडीज इजिप्टी मच्छर, उसमें हमने डेंगू देखा, डेंगू जो है एडीज इजिप्टी मच्छर में पाए जाने वाला आर्गो वायरस, जबकि चिकनगुनिया अल्फा वायरस से, और तीसरा जो है येलो फीवर, और चौथा वेस्ट नाइल फीवर। तो ये सभी रोगों को आपको पता होना चाहिए मच्छरों से संबंधित। इसके बाद हम कुछ डिजीज की बात करते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मक्खियों से फैलने वाले। देखो जितनी भी ये बात बता रहा हूं इट इज वेरी फिक्स, हमेशा ये रिपीटेशन में एग्जाम में आते रहे सदा से आए रहे एग्जाम से। तो देखिए मक्खियां, मक्खी जो है देखो नॉर्मली जो घरेलू मक्खी होती है उसके रोगों को आप लिंक कर सकते हैं, कौन से रोगों से, जो दूषित जल और दूषित भोजन के। सामान्यतः क्या होता है, मक्खियां जब भी किसी खाने पर बैठेंगी तो वो जो दूषित जीवाणु है वो किसमें आ जाते हैं, हमारे खाने पर, इसीलिए हमको ढक के रखना चाहिए। तो घरेलू मक्खी हैजा कर सकती है, टाइफाइड कर सकती है, और पेचिश डिसेंट्री रोग कर सकती है। तो इसके बाद में जब बात आ रही है तो वो है घरेलू मक्खी, तो वो सारे देखिए यहां पर उन्होंने छपरे को ही लिख दिया है कि हेपेटाइटिस ए, पोलियो, टाइफाइड, डिसेंट्री, हैजार्ड, दैट इज कॉलेरा, ये सभी रोग किससे हो सकते हैं, जो हमारी घर की मक्खियों के उनसे हो सकते हैं। एग्जाम का बहुत ही फेवरेट एंड ये हमेशा आप याद रखेंगे, सीसी मक्खी है, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग जो होती है TSE, एक्चुअली जैपनीज नेम है और इसीलिए टी यहां पर साइलेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग किससे है, TSUNAMI, सुनामी, तो उसी तरह से ये सीसी मक्खी। और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसके अंदर क्या होता है, आदमी को नींद ही नींद आती है, है ना। तो ट्रिप्नोसोमा रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, ट्रिप्नोसोमा रोग, इसका मतलब है निद्रा रोग। ये मक्खी एक बड़ी मक्खी है, जब भी शरीर पे बैठती है तो ये दिमाग के ऊपर असर करते हैं, और दिमाग के ऊपर असर होने के कारण क्या, आदमी को नींद आना शुरू हो जाता है। एग्जाम का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालू मक्खी, जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं, उसके कारण काला आजार रोग हो जाता है। देखिए काला आजार रोग मक्खी के काटने से, मलेरिया मच्छर ना काटने से मक्खी के कारण है, और मलेरिया मच्छर के काटने से काला आजार रोग, काला आजार रोग जो है जिसको लीशमैनियासिस भी बोलते हैं, लीशमैनिया, काला आजार रोग में भी मनुष्य की आरबीसी खत्म होती है, और फाइनली आरबीसी जब डेड होगी किसमें जाती है, हमेशा मानव के पीछे वाले भाग में, प्लीहा, स्प्लीन पाया जाता है वहां पर, आरबीसी जो है वहां पर जाकर खत्म होगी। ये सेम केस, आपको एक सिमिलैरिटी याद रखनी है, काला आजार रोग और मलेरिया रोग, इन दोनों रोग में मानव की आरबीसी खत्म होती है। डेंगू रोग में क्या खत्म होता है, डेंगू रोग में खत्म होती है प्लेटलेट्स, तो जो मानव शरीर में ब्लड है, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तीसरा एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, जो एड्स रोग है वो एक विशेष प्रकार की डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिसका नाम क्या है ना, लिम्फोसाइट,
टी फोर लिम्फोसाइट, ये प्रश्न हमेशा याद रखना, टी फोर लिम्फोसाइट जो कि डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, उसे एड्स रोग में जब वो अपने चरम पर पहुंचता है, जो भी जैसे मान लीजिए आज किसको एड्स रोग हुआ, 5 से 10 साल बाद जब उस पर अवसर आएगा, तो उस समय उसके शरीर में जो लिम्फोसाइट्स है टी फोर पर्टिकुलर टी फोर लिम्फोसाइट वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि दूषित जल, दूषित भोजन, छूने से कौन कौन से रोग होते हैं, और ये कुछ वेक्टर्स हैं। एक पॉइंट मैं इस बीच में रह गया, तो आप ये याद रखेंगे, वे सभी जीव जंतु जो केवल और केवल रोगों को प्रसार करने का काम करते हैं, जैसे मच्छर कर रहा है, जैसे मक्खी कर रही, जैसे पिस्सू भी करता है, पिस्सू जो कि चूहे में होता है जिसे फ्लीहा बोलते हैं, इन सभी को इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है ना, रोग वाहक, वेक्टर मतलब रोग वाहक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए रोगों के कारण, रोगों के जो कारण हैं वो किस किस से हो सकते हैं, वो इन सभी चीजों से हो सकते हैं। तो रोगों के जो कारण हैं है ना, रोगों के कारणों का अध्ययन हमने क्या पढ़ा था, रोगों के कारणों का अध्ययन हमने पढ़ा था एटियोलॉजी। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये सभी पैथोजेंस हैं। कौन कौन, जीवाणु, विषाणु, कवक जिसे क्या बोलेंगे, फंगस, प्रोटोजोआ जो कि मच्छर में, मादा एनोफिलीज में होता है प्रोटोजोआ, है ना, मलेरिया रोग में प्रोटोजोआ, कृमि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यूचेरियाई ब्रैंकोफाइटाई, तो वो कृमि है, और वो कौन से मच्छर में पाया जा रहा है, वो चेरियाई ब्रैंकोफाइटाई नाम का जो कृमि है वो क्यूलेक्स मच्छर में पाया जा रहा है, और उसके कारण हमारे को फाइलेरिया रोग होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो देखिए रोगों के जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो रोगों के कारण में जीवाणु, इन सभी को क्या कहा जाएगा, इन सभी को पैथोजेन, रोग जनक कहा जाएगा। मच्छर, मक्खी, फ्लीहा, इनको क्या कहा जाएगा, रोग वाहक, वेक्टर कहा जाएगा। तो जीवाणु, विषाणु, कवक या फफूंद, प्रोटोजोआ या कृमि से कुछ रोग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, जो प्रोटोजोआ से जनित रोग हैं उनमें सबसे पहले एमीबियोसिस। एमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, दूषित जल में पाया जाता है, और यदि हमारे शरीर में आ जाए और आंतों में पहुंच जाए तो अल्टीमेटली क्या करेगा, अल्टीमेटली ये फिर वही प्रोसेस, हमारा डाइजेशन खराब करेगा। डाइजेशन खराब करा, पाचन नहीं हुआ, प्रॉपर पोषण शरीर को नहीं मिला, कमजोरी आएगी, और अल्टीमेटली आपको बहुत सारे aftermaths, after effects इसके देखने लग जाएंगे। तो सबसे पहले बात किसकी आ रही है, अमीबियोसिस, मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। काला आजार, काला आजार एक याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मलेरिया और काला आजार में दो सिमिलैरिटी, एक तो दोनों में आरबीसी कम होता है, दोनों ही प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अमीबियोसिस, अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। देखिए प्रोटोजोआ और जीवाणु में अंतर क्या होता है इसका भी हमें पता होना चाहिए। सामान्यतः प्रोटोजोआ जो है, जनरल टर्म में बात करें तो प्रोटोजोआ होते हैं जिनकी कोशिकाएं या जिनमें एक कोशिका है, या जो छोटे जीवाणु है उन्हें हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटो का मतलब पहले, प्रिमिटिव, पहले जो हुआ करते थे। जीवाणु जो है वो आज की तारीख में कुछ जीवाणु से सल्मोनेला टाइफलू जीवाणु, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ये एडवांस जीवाणु है, उसमें मॉडर्नाइजेशन ज्यादा है, ये बाद में क्रिएट हुआ। तो प्रोटोजोआ और जीवाणु में आपको एक अंतर क्लियर हो गया। स्लीपिंग सिकनेस, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कौन सी मक्खी थी, आप मेरे को जरूर कमेंट में बताएंगे नीचे कौन सी मक्खी है वो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया है ना। पाइरिया, पाइरिया जो है आपने बहुत नाम सुना होगा, पी वाई है ना, पाई पी वाई डबल आर एच ओ ई ए, पाइरिया की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता हम एक सब्जेक्ट पढ़े, हमें सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड करना चाहिए। तो आपको इस तरह के डायरिया, पाइरिया, इस तरह के जो स्पेलिंग्स है उनकी स्पेलिंग्स क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पाइरिया जो रोग है वो मुंह में होता है, दांत में सड़न आती है ना, कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के हमेशा दांत में सड़न रहती है और आप उनके पास में खड़े नहीं हो सकते, तो पाइरिया के कारण। ल्यूकेरिया, मैंने आपको बताया था श्वेत प्रदर रोग, तो आपके लिए यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक लिखी है अमी म का नी पाल, और इस तरह से आपको अमीबियोसिस, मलेरिया, काला आजार, ल्यूकेरिया, पाइरिया और स्लीपिंग सिकनेस, जैसे प्रोटोजोआ है, आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि प्रोटोजोआ और जीवाणु में अंतर क्या होता है।
इसके बाद में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हाथी पांव रोग, तो थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको फाइलेरिया किसमें है, तमिलनाडु में, तो फाइलेरिया का जो रोग जनक है वो कौन है, बुचेरियाई ब्रेंकोफटाई, बुचेरियाई ब्रेंकोफटाई के कारण क्या होता है, फाइलेरिया रोग होता है। देखिए एक रोग आ रहा है नारू रोग, देखिए नारू रोग मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर दीज आर द टू डिस्ट्रिक्ट, मैं बचपन में पढ़ा करता था इनके बारे में, इसको ड्रैकन पुलिस रोग भी कहते हैं। और नारू रोग में क्या होता है कि जब हम लोग उस तरह का पानी जिसके अंदर नारू की कमी है वो हम पी लेंगे, तो पीने के बाद में आंतों के माध्यम से खून में और खून में इतने बड़े बड़े कीड़े हमारे शरीर से बाहर निकलते हुए आते हैं, तो ये जो रोग है नारू रोग कहलाता है ड्रैकन पुलिस रोग। नो डाउट आज की तारीख 1995 में नारू रोग ड्रैकन पुलिस को हमने पूरी तरह से रूट आउट कर दिया, तो नारू रोग पूरी तरह से उन्मूलित हो गया है और इसे ड्रैकन पुलिस रोग भी कहते हैं। तो इस तरह की चीज हमको पता होनी चाहिए। देखिए एक जो है हास्यास्पद और है कि इसकी 100 पत्नियां होती है और ये अंधा होता है, ये एक प्रकार से हमने कृमि के बारे में आपको बताया हुआ है। तो कवक से संबंधित जो रोग है, कवक से संबंधित आपने गंजापन सुना होगा है ना, दाद दाद रोग, रिंग वॉर्म, देखो रिंग वॉर्म जो गोल गोल आपने कई बार देखे होंगे। अच्छा एक और जो है दाद का एक एग्जांपल होता था, फेफड़ों के अंदर कई बार क्या होता है, फेफड़ों के अंदर आपके संक्रमण हो जाता है और वो किसके कारण है, एक पर्टिकुलर फफूंद या कवक के कारण, उसका नाम क्या है एस्परजिलस, और उसके कारण बहुत तेज संक्रमण हो जाता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो आप याद रखना है ना। तो ये सारे सेक्शन अभी आगे और रिपीट होंगे, मैं एक जनरलाइज चल रहा है और आगे जो एक एक बात को कवर करेंगे। देखिए इसके बाद में जो विषाणु ग्रसित रोग है, विषाणु का मतलब वायरस है, और पिछले दिनों से आप वायरस के बारे में इतना सुन रहे हैं, मैं भी लगातार वायरस के बारे में डालता रहता हूँ, उसके बाहर की लेयर प्रोटीन और कैस्पिड की बनी होती है, वो अपनी सुरक्षात्मक लेयर होती है, जब वो शरीर में जाता है तो अपने उसमें पाए जाने वाले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि विषाणु में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, लेकिन वे विषाणु जिनमें केवल और केवल आरएनए पाया जाता है वो रिट्रोवायरस कहलाते हैं, और रिट्रोवायरस का बेस्ट उदाहरण आप बता सकते हैं एड्स रोग जो है, एचआईवी जो है वो रिट्रोवायरस का एग्जांपल है, क्योंकि उनमें केवल और केवल आरएनए पाया जाता है। अब ये आरएनए डीएनए मानव शरीर में जाके जो हमारा जेनेटिक ऑर्डर है, जो हमारे डीएनए का पूरा फिगर है, उसके अंदर क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उसमें बहुत तरह की एनकोडिंग अपनी जो कोडिंग एंटर कर देते हैं, और फाइनली क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, इन सभी को लगातार अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए कोरोना वायरस में भी आपको जब बात कर रहे हैं तो वो भी विषाणु एक प्रकार का, कोरोना आज का विषाणु नहीं है, कोरोना बहुत पुराना विषाणु है, कोरोना जो है थाउजेंड्स ऑफ टाइप के कोरोनाज हैं, लेकिन 7 ऐसे कोरोना हैं जो मानव शरीर को प्रभावित करते, बाकी नहीं करते। तो आपने कभी भी कॉमन कोल्ड का नाम सुनाओ, आपने कभी सार्स का नाम सुनाओ, तो आम तौर पर ये लगभग सभी व्यक्ति को कभी ना कभी एक बार ये होता है, तो वो सार्स है, वो भी कोरोना का ही एक प्रकार है। तो देखिए विषाणु की आपको मैंने क्या बात बताई कि उसके ऊपर अपनी एक लेयर होती है कैस्पिड की, अंदर डीएनए आरएनए हो सकते हैं, और आरएनए यदि है केवल तो उसे रेट्रोवायरस कहा जाएगा। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इसके बाद में जो अगला पॉइंट है कि ये अभी हाल ही में क्या हुआ, एचएसएससी के अंदर और कई पेपर्स में क्वेश्चन पूछा है कि विषाणु ज्यादा खतरनाक है जीवाणु ज्यादा खतरनाक है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि विषाणु ज्यादा खतरनाक है। कारण क्या है कि जो जीवाणु है उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स बना दिए गए। व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, कि यदि कोई जीवाणु शरीर में जाता है और हमने एंटीबायोटिक लिया है तो एंटीबायोटिक खाते ही वो जीवाणु प्रतिरोध करेंगे उस मटेरियल उस पदार्थ से जो उस गोली में, और प्रतिरोध महसूस करेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे तो डब्ल्यूबीसी उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगी और हमारा जो है अंग का जो सिस्टम है वो नॉर्मली फ्लो में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये विषाणु के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो जीवाणु है उसको तो तोड़ कर सकते हैं, उसका तोड़ है एंटीबायोटिक, विषाणु जो है चूंकि वो एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है, इट इज नोन एज द चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अजैव और जैव के बीच की कड़ी, उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, इसलिए विषाणु ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये कंक्लूजन आप हमेशा याद रखना। तो देखिए जो एड्स है, हेपेटाइटिस है, मम्स है, मिजल्स है, मिजल्स मम्स एंड रूबेला, ये आपके नाम सुने होंगे हिंदी में, मम्स को
इंग्लिश के अंदर भी एक चीज याद रखना, मिजल्स मम्स हमेशा एस आता है, पीछे एस लग रहा है लेकिन प्लूरल नहीं है, मम्स इज, मिजल्स इज, तो इसका प्रयोग किया गया है सिंगुलर, हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो मम्स, मिजल्स एंड रूबेला, ये तीनों भी वायरस के कारण, पोलियो एंटीरो वायरस के कारण, रेबीज रेप्टो वायरस के कारण, तो ये रेप्टो वायरस के कारण, हेपेटाइटिस हेपेरिना वायरस के कारण, हेपेरिना वायरस के कारण, तो ये सभी रोग होते हैं। ये देखिए सार्स जो 2003 के अंदर पूरे चीन में लगभग जो आंकड़ा उन्होंने बताया था 800 के करीब लोगों की मौत हुई थी सार्स के कारण। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर का मतलब बहुत तीक्ष्ण, कुछ समय तक रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र में प्रभावित होते हैं। तो ये कोरोना का ही एक प्रकार है, आजकल इसे कोविड नाम दिया गया है, नोवल कोरोना वायरस नाम दिया, WHO ने इसका नाम दिया है। और इसके अलावा ये भी बात याद रखें, जब भी कोरोना का असर हो जाता है तो 3 से 4 दिन तो वो गले में रहता है, और उसके बाद में जब वो फेफड़ों में पहुंचता है तो फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाला स्पंदन, जो मसल्स इस तरह से संकुचन प्रकुचन है ना वो करती है, वो इसको बिल्कुल हार्ड बना देता है। उसके हार्ड बन जाने के कारण श्वसन जो है आदमी का दम घुटने लगता है, फाइनली मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली दिस इज द वे हाउ कोरोना इज वर्किंग उन लोगों में जिनकी मृत्यु हुई है, कई लोगों की मौत हो गई, अभी हाल ही का आंकड़ा 16-17 हजार लोग पहुंच चुका है। तो देखिए सार्स जो है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फेफड़ों से संबंधित है, फेफड़ों के अंदर है ना संक्रमण हो जाएगा, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। देखिए यहां पर एक नाम आ रहा है इन्फ्लुएंजा, आप एक बार हमेशा याद रख ले, यदि कोई इन्फ्लुएंजा है, यदि कोई फ्लू है, फ्लू भले कोई सा भी, भले बर्ड फ्लू है तो वो भी वायरस से होता है, स्वाइन फ्लू है वो भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा है वायरस से होगा, एयर वाले जो है ये वायरस से हो रहे हैं। तो देखिए इन्फ्लुएंजा ये एक ऐसा रोग था जो पूरे विश्व में एक बार फैला था, जिस तरह से आज कोरोना है। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा रोग आंख से संबंधित है, आंख के अंदर क्या होता है विषाणु विशेष, है ना। इसके बाद में किसकी बात आ रही है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में, क्या पढ़ा था, चिकन पॉक्स जो है छोटी माता बड़ी माता, छोटी माता को वेरी सेला, ये वेरी ओला नाम के विषाणु से। डेंगू मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, अल्फा आर्बो वायरस, चिकनगुनिया अल्फा वायरस, दोनों ही एक ही प्रकार के मच्छर से होते हैं। प्लीज नीचे कमेंट में बताइए वो किस प्रकार के मच्छर से डेंगू फैलता है, उसका नाम बताएं, है ना। इसके बाद में देखिए और भी कई रोग हैं जैसे हर्पीज है ना, त्वचा से संबंधित है, तो रूबेला हमने बात करी है, और जैपनीज एनसेफेलाइटिस ये हमने बात करी है। तो इस तरह के जितने भी रोग से डिजीज है ये सभी क्या है अलग अलग तरह से फैलते हैं। देखिए आज हम लोग केवल एड्स के बारे में बात करेंगे और इसके अगला वाला जो सेक्शन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए एड्स जो है ये एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और पहली बार इसका नाम जो दिया था रॉबर्ट सी गैलो 1982 में पहली बार दिया था। ये लॉस एंजलिस में पहली बार पता चला कि इस तरह का कोई रोगी मिला उससे प्रसार भी होता जा रहा है। लॉस एंजलिस एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, कॉस्मोपॉलिटन वह शहर जहां पर पूरे विश्व के लोग आते हैं, जैसे आप वर्तमान में दुबई बना हुआ है। तो देखिए जन्म स्थान जो इसका बताते हैं वो साउथ अफ्रीका बताते हैं जहां पर पहली बार वायरस मिला। देखिए एड्स के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, एड्स कोई मानव से नहीं आया है। सबसे पहली बार क्या हुआ कि जो प्रजाति है मानव, मानव के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल का मतलब जनजातीय लोग, तो जो वहां पर एक पर्टिकुलर जो बंदर है उस बंदर से क्या हुआ मानव के अंदर सेक्सुअली ट्रांजेक्शन के कारण या ये कह लो इंटरकोर्स के कारण ये वायरस जो है मानव के शरीर में आया और धीरे धीरे क्या हुआ ये अलग अलग जगह दूर तक फैलता चला गया। तो एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो है वो एक बंदर से और उसके बाद में मानव में आई है। तो आप एक बात याद रखना, युगांडा जो है युगांडा तो एड्स की राजधानी से कहा जाता है, ठीक है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। भारत में पहला रोगी मद्रास में, जो उस समय तात्कालिक मद्रास नाम से जाना था, नाउडेज नोन एज आज की तारीख में इसे चेन्नई के नाम से जान रहे हैं। तो प्रथम रोगी जो है तमिलनाडु में मिला, राजस्थान में जो है पुष्कर में पहला रोगी मिला। तो एड्स, एड्स जो है देखिए इसका एक बार फिर फुल फॉर्म में चलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
सिंड्रोम जहां भी शब्द आ जाता है, कभी भी आपने सुना होगा पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी जो मैं बता रहा हूं आपको नाम, ये सभी आनुवांशिक रोग है। और सिंड्रोम जहां भी शब्द आ जाता है उसका मतलब एक रोग नहीं है, रोगों का समूह। तो डिजीज का मतलब एक रोग और सिंड्रोम का मतलब रोगों का समूह। तो यहां पर जब सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो रोगों के समूह की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे शरीर में जो WBC है उसकी जो पर्टिकुलर WBC है, पांच प्रकार की WBC पाई जाती है, उसमें जो लिम्फोसाइट है और लिम्फोसाइट में भी T4 लिम्फोसाइट, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, हमारे शरीर में खत्म हो जाती है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। कौन? जो HIV है, HIV का वायरस है। आपको पता होगा लाल फीता जो है इसके अंदर यूज करते हैं एक सिंबल के तौर पे। 1st of December इज सेलिब्रेटेड एज एड्स डे। और एड्स का संक्रमण जो है 3 विधियों से हो सकता है, या तो गर्भस्थ मदर से बच्चे में, जिसको वर्टिकल ट्रांसफर, वर्टिकल का मतलब वर्टिकली ट्रांसफर हो रहा है, असुरक्षित यौन संबंध इफ इट इज इमेच्योरली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें यौन संबंधों के कारण हो सकता है, संक्रमित सुई चाहे वो ड्रग्स की है चाहे वो रक्त ट्रांसफ्यूशन की है या रक्त भी गलत, जिसमें अभी आपको एक एग्जांपल बताया था भारत के अंदर एक ऐसा केस पाया गया जिसमें गलत जिसका एड्स था रक्त जिसके शरीर में, उसका रक्त किसी और को दिया और उस व्यक्ति को भी एड्स हो गया। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके जो वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन का मतलब मानव, इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, ये इम्यूनो है, डेफिशिएंसी का मतलब कम कर देगा और फाइनली आदमी की मृत्यु हो जाएगी। जब मृत्यु होती है तो एक्चुअल में उसके शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर रोगों को लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको सिंड्रोम कह रहे हैं। ठीक है, रिट्रोवायरस मैं थोड़ी देर पहले बताया था, हर वो विषाणु जिसमें केवल RNA पाया जाता है वो रिट्रोवायरस कहलाता है। और ये रिट्रोवायरस एक चेन बना लेता है और रिट्रोवायरस क्या है, RNA से DNA का निर्माण करने लग जाता है मानव शरीर में और मानव शरीर के DNA के अंदर ही प्रवेश कर जाता है और पूरी तरह से मानव की जेनेटिक कोडिंग जो उसमें परिवर्तन ला देता है। तो देखिए एड्स में कुछ दवाइयां हमेशा पूछी जाती है, इनको एंटी रिट्रोवायरल डोजेस भी कहते हैं, निडोफिडिन और नेविरापाइन, ये दो डिजीज आपको याद रखनी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ART यदि पूछा जाए तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि रेट्रोवायरस इसके जीवाणु को कहते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का पता लगाना है तो कॉमनली आपने नाम सुना होगा एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न टेस्ट, है ना। एक और टेस्ट है जो शायद ध्यान नहीं दिया हुआ, एक था CD4, CD4 टेस्ट होता है, CD4 टेस्ट में रक्त की जांच होती है। एलिसा जो टेस्ट है वो प्रारंभिक टेस्ट है, मतलब ये श्योर नहीं हो सकता कि रोग कंफर्म है या नहीं, क्योंकि एलिसा की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ये आपको याद होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एलिसा की फुल फॉर्म है ना। एंटीबॉडी की जांच होती है, एंटीबॉडी और एंटीजन, जब भी हम लोग रक्त पढ़ते हैं तो उसका एक भाग होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं होगा कि एड्स व्यक्ति को है या नहीं, लेकिन निश्चयात्मक द कंफर्मेटरी टेस्ट इज व्हाट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये एंटीजन की पहचान करता है। और एक CD4 टेस्ट है एड्स को जानने के लिए, और एक है PCR टेस्ट जिसे बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन, बहुत से दूसरे रोगों का भी पता करने के लिए किया जाता है। तो ये 4 टेस्ट एड्स के लिए आपको सदैव पता होना चाहिए, एक तो है CD4 टेस्ट, सेकंड है एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एंड लास्ट इज व्हाट, PC पॉलीमर चेन रिएक्शन, PCR टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट आपको याद रखना है और ये सबसे एडवांस टेस्ट माना जाता है, आधुनिकतम, द मोस्ट रिसेंट वन। देखिए आपको एक ये छोटी सी बात जरूर याद रखनी कि जब भी वेस्टर्न का मतलब वेस्ट वाला भाग, वेस्ट का मतलब क्या, इधर वाला भाग, वेस्टर्न ब्लॉट, ये इस तरह से हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, तो वेस्ट वाला जो पार्ट है वो प्रोटीन की जांच करता है,
सदर्न ब्लड टेस्ट का मतलब नीचे वो डीएनए की जांच करता है, नॉर्दर्न का नीचे डीएनए ऊपर आरएनए, वेस्ट में वेस्ट वाले भाग में किसका टेस्ट हो रहा है प्रोटीन का, और ईस्ट वाला जो भाग है वहां पर एंजाइम का टेस्ट होता है। तो देखिए यदि मैं आपको एक चौकोर सा स्लाइड बना रहा हूं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट प्रोटीन का टेस्ट करेगा, नॉर्दर्न ब्लड टेस्ट आरएनए का टेस्ट करेगा, साउदर्न ब्लड टेस्ट डीएनए का टेस्ट करेगा और ईस्टर्न ब्लड टेस्ट एंजाइम का टेस्ट करेगा। तो ये कुछ टेस्ट के जो है जो इंटरनली जो टेस्ट लिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एनएनआरई, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का है तो आपको हमेशा बताना पुणे में स्थापित है। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन आ रहा है, एग्जाम में हमेशा फिक्स रिपीट होंगे। कैंसर अनुसंधान टीम मुंबई में है ना, टाटा रिसर्च सेंटर भी कहाँ है, कैंसर का मुंबई में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है। दुग्ध रिसर्च सेंटर जो है करनाल हरियाणा में है। नेशनल लेवल पे जो चावल का रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, कटक में। इंटरनेशनल यदि पूछा जाए, आपके लिए प्रश्न है, आप नीचे कमेंट में बताएं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये किस शहर में है और किस देश में है, ये आपका ये एक प्रश्न नीचे कमेंट में बताएं। मस्तिष्क जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानेसर, तो ये आपको कुछ पॉइंट हमेशा याद रखने है ना। तो इस तरह से एड्स के बारे में आपको मेनली सारी बातें पता चल गई। इसके आगे की जो क्लास है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टे ट्यून्ड विद मी। आप सब्सक्राइब करें चैनल को और आपको लगातार कई 8 से 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अपडेशन मिलता रहेगा और ये लगातार रोज की क्लासेस चलती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, वेरी थैंक यू, और हाँ कोरोना से आप विशेष हिदायत में रहें और घर में रहें, स्टे एट होम, जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री और पूरे देश की सरकार और राज्य सरकारों के लिए आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।